उद्यमिता विकास प्रशिक्षण के अंतर्गत इनकी इच्छा थी कि हम झाड़ू का काम करेंगे और बताया गया कि ये कच्चा माल कहाँ से मिलेगा। कन्हैया गिरी जी हैं जिन्होंने RCET से प्रशिक्षण लिया था 6 दिन का उद्यमिता विकास का। पहले नौकरी करते थे झाड़ू बनाने का और एक दिन दृष्टि पड़ी हमारी कि भाई काम अपना आगे क्यों नहीं बढ़ाते, हुनर अच्छा था इनके पास, तो इन्होंने प्रशिक्षण लिया RCET 6 दिन का और उसके बाद इन्होंने अपना खुद का कार्य जोड़ा झाड़ू बनाने का। 2 दुकान किराए पर लेकर इन्होंने काम जोड़ा है, इसके साथ साथ दो तीन लोगों को रोजगार भी दिया है। अब इनकी इच्छा है कि RCET से प्रशिक्षण लेने के बाद ये अपना काम बढ़ाना चाहते हैं। पैसे की आवश्यकता है, ऋण की आवश्यकता है, इनके हम फाइल बनाकर भी भेजेंगे और इनका कार्य शुरू हो जाएगा तो ये और लोगों को रोजगार देंगे। और आज इन्होंने समूह की महिलाओं को झाड़ू बनाने का प्रशिक्षण दिया है। और आपको कैसा लगा प्रशिक्षण? पिछले तार कैसे बांधना है अभी तो हमने इनको वीडियो दिखाई थी। वीडियो के बाद इन्होंने किया फूल झाड़ू, सीख झाड़ू बनाने का काम जोड़ा है और इतने उत्साहित हैं घर जाके काम करेंगे। और कन्हैया भैया ने हमें बहुत ही अच्छी तरह एक एक चीज हमें बहुत अच्छी तरह से समझाई है, हमें कितनी वजन की करनी है, कितनी लंबाई करनी है, कितनी मोटाई करनी है, सब अच्छे से सिखाया है। इनको ताली एक जोरदार ताली के लिए आज सबकी वाली बजा दो। प्रशिक्षण लाभकारी हो इनके लिए उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं और अभी 2-3 दिन और बाकी हैं प्रशिक्षण में, इनको और भी हुनर सिखाया जाएगा, मार्केट सर्वे, मार्केटिंग वगैरह। तो सभी स्वयं सहायता समूह की बहनें जो इस वीडियो को देखेंगी उनसे अनुरोध है कि अपने जनपद के RCET में जाएं जो लीड बैंक द्वारा निर्देशन में संचालित है, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से चलाया जा रहा है कार्यक्रम। जागरूक रहें, आत्मनिर्भर बने और आगे बढ़ें। PNB RCET मार्ट के झरोली द्वारा RCET में 6 दिवसीय प्रशिक्षण के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को झाड़ू बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें प्रशिक्षक हैं कन्हैया गिरी जी जो कि RCET से प्रशिक्षित हैं और प्रशिक्षण लेने के बाद उन्होंने अपना खुद का रोजगार आरंभ किया है और आज वो दूसरों को सिखाने का कार्य करते हैं और अपना बिजनेस भी इन्होंने खोला है। 3 लोगों को रोजगार भी दिया है इन्होंने, श्री कन्हैया गिरी जी ने, और विभिन्न गांवों में झाड़ू बनाने का जो कार्य है वो सिखाते हैं और RCET में भी आकर समय समय पर स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को सिखाने का कार्य कर रहे हैं। बहुत लाभकारी कार्य है, देख रहे हैं झाड़ू बनाने का व्यवसाय आज पूरे तौर पर चला हुआ है। दीपावली आने वाली है और दीपावली एक दिन पहले धनतेरस में इसकी बहुत डिमांड होती है, पूरे देश में इसका यूज होता है। तो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं आज आई हैं और इनकी डिमांड थी इनके समूह की कि हम झाड़ू बनाने का काम सीखना चाहते हैं और फूल झाड़ू सीख झाड़ू, और डिमांड इसकी है कि इनको हमने मार्केट सर्वे करना सिखाया कि किस जगह पर जाकर झाड़ू को बेचना है, आसपास के गांव में जरूरत होती है, डिमांड होती है झाड़ू की, उन दुकानों पर कैसे हम जाकर संपर्क करेंगे झाड़ू बनाने के बारे में ये इनको बताया गया है, और कच्चा माल कहाँ से मिलेगा, कच्चा माल मिलने के बाद उसको बेचेंगे कहाँ पर बनाने के बाद, ये सारी जानकारी इनको महिलाओं को दिया जा रहा है ताकि अपना स्वयं का रोजगार स्थापित कर सकें। आप देखें कैसे हम झाड़ू का वर्गीकरण करेंगे कि कौन सा झाड़ू 40 रुपये का है, कौन सा 30 रुपये का है, कौन सा 20 रुपये का है, ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। इस 6 दिवसीय प्रशिक्षण में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ये भी जानकारी दी गई बोर्ड पर कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे तैयार करें, क्योंकि जब तक हम इसकी लागत नहीं समझेंगे कि कितना खर्चा इसमें आया, कितने की हमें कच्चा माल आ रहा है, कितने का तार आ रहा है और क्या क्या छोटे छोटे औजारों की जरूरत पड़ती है हमें झाड़ू के व्यवसाय में, झाड़ू का व्यवसाय इतना लाभकारी व्यवसाय है कि इसमें किसी लंबे इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता नहीं होती। ये आप देख रहे हैं, एक दाव की जरूरत पड़ेगी, एक गुटके की जरूरत पड़ेगी, एक तोल मशीन है और बटखरे की जो तोलने के लिए आती है, और ये बाल्टी की, और बाकी कच्चा सामान। इसको आप करके घर से भी इस कार्य को शुरू कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि कोई दुकान हो, कोई शॉप ही खरीदनी पड़े,
इसके लिए आप घर से भी जरूर कर सकते हैं और इसे आप घर से भी सप्लाई कर सकते हैं। और जो लागत है इसकी, इसके जो बोरा आता है, सीख झाड़ू का जो बोरी होती है 50 किलो की होती है, 2000 से लेकर 2400-2500 तक के बीच में रेंज में आती है। हर प्रकार के जो कच्चा माल आता है 50 किलो का, इसके साथ साथ फूल झाड़ू की जो बोरी होती है इस वर्तमान में, इस टाइम तो महंगी है, 8000 रुपये बोरी के हिसाब से आती है जो 50 किलो का होता है। जैसे ही फरवरी आएगी, फरवरी के बाद, मार्च के बाद, इसका रेट कम हो जाते हैं जो आपको सस्ते रूप में मिल सकते हैं। अगर स्वयं सहायता समूह की महिलाएँ या अन्य बेरोजगार युवा इसको थोक में खरीद कर फरवरी मार्च में इसको रख ले और बाद में इसको जब रेट बढ़ जाए तो उसको बेचकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इस कार्य को करने के लिए ज़्यादा हुनर की आवश्यकता नहीं होती है, केवल 1-2 घंटे में आप सीख लेंगे तो आप इस काम को कहीं भी कर सकते हैं। और जनपद सहारनपुर में कई महिलाएँ जो कि प्रशिक्षित हैं RCET से, NRLM के सहयोग से, NRLM का मुख्य सहयोग यह है कि समूह बनाकर प्रशिक्षण के लिए RCET में प्रेषित करते हैं और उनका प्रशिक्षण होता है। कोई युवा भी इसको, ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता नहीं है। अगर आप चाहते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं और चाहते हैं कि जल्द से जल्द कम लागत में हम रोज़गार शुरू करें, तो ये झाड़ू का व्यवसाय आपके लिए बेहतर और लाभदायक है। काटने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे ड्रम में डाल लो और छाटना शुरू करो, वो बोरा 3000 रुपये से स्टार्ट है, 4000 रुपये तक का बोरा स्टार्ट है। वो सीख ऐसी नहीं रहेगी, सब एक बनती रहेगी, अच्छी नहीं भी सीख रहेगी, और लंबा भी माल उसी में लंबा माल होगा, तो सारा माल ऐसे छाटना है। लिख लेना भाई, यहाँ पहले बनती थी 400 ग्राम की जड़ू और आज से 3 साल पहले बनती थी 450 ग्राम की जड़ू, अभी से भी मिलती थी। देखो ये इतना माल तो नहीं लेना है, इसको ऐसे गिरा कर रखना है, देख लो इसके बाद इसे लेने छोटी जड़ को और इसको ऐसे रख के इसको और ऐसे घुमा देने को, ठीक है? अरे बीज माँ की जड़ भी अच्छी लगी, ऐसे तार पकड़ना है और तार को इस तरफ घूमना है, ये घूम गया तार, इसको छोड़ दो अपने आप खींचेगा तार, जितना फेंकना चाहोगे इसको उठाना, ये इसको ऐसे ऐसे घुमा देना बस, बता रहा हूँ पहले झाड़ू सीख लो फिर उसके बाद रेट बता देंगे, बताओ झाड़ू कैसे लगी तुम्हें? हाँ माल तुम्हें निकाल के 20 वाली झाड़ू बनानी है, ये तुम्हें क्या करना है, क्योंकि तुम्हें माल सारा तरीके का होगा, इसमें छोटा माल है, इसमें बोरी करना है, थोड़ा लंबा भी होगा माल, क्योंकि पुरानी झाड़ू पड़ी ना, इस तुम्हें चौने फाट जो भी यहाँ पड़े पड़े आगे जब बोरा लोगे ना तो उसके अंदर जो है बोरे के अंदर इससे लंबी भी सीख निकलेगी, 2-4 किले तोड़ देने ये हिसाब करने के लिए, अजय निकाल लो अगर निकालना चाहोगे तो 50 वाली झाड़ू बनेगी, इसकी लंबाई होगी 48, जो 40 वाली झाड़ू ले रहे हो तो, ठीक है? अगर आपको 20 वाली झाड़ू ऑर्डर मिला हुआ है, आपको एक आपको देनी है 20 वाली झाड़ू, तो आपका पटना भी नुआ होगा, ये निकाल दी और आपकी बहुत सारी झाड़ू निकल जाएगी, 4-4 ग्राम की 40 वाली सारा माल चाहिए होगा, ठीक है? जल्दी रखा
इतना सारा माल हो गया भाई, अभी मैं क्या है कि 40 घर आपकी महंगी मिलेगी, क्योंकि 30 बड़ी मिलेगी आपकी दुकान पर ले जाओगे 24 रुपये 22 रुपये 23 रुपये दुकानदार लेगा, जो 30 रुपये ही वो बेचेगा, 5-6 रुपये लेके ज़्यादा कमाता है, और जो थोक के काम कर जाओ 1-2 रुपये मिलते हैं, 2-4 रुपये जो मिल जाते हैं मजदूरी, आपको खुद अपना खुद बनाओ तो आपको 2 रुपये मजदूरी बचेगी, और 2 रुपये आपको मिलेगा, 4 रुपये हो गए ना, अगर आपसे किसी ने 25 हज़ार ली तो कम दिखे आपको मार्जिन, किसी ने आपको अगर 1,000 ली तो 400 रुपये अगर मार्जिन लगाओगे 1,000 पीछे कितना मार्जिन बैठा बैठा नहीं बैठा भैया, मार्जिन दिखे नहीं दिखे, अरे 450 काम नहीं आएगा, 400 थोड़ी और सही करनी है झाड़ू तो ऐसे करना है, जो थोड़ी बहुत ही सीख होगी ना इसके अंदर तो सारे ठोकी ऐसे गुटों में रख के ऐसे ही घुमानी है, जैसे वो घुमाई बस ऐसे घुमानी, जो सीख झाड़ू बनती है हरियाणा के अंदर टोटल होते हैं पीले में चीखा मंडी में जितने भी हैं, वो उसमें क्या है औरतों का काम करता है, औरतों को क्या करना है जैसे झाड़ू बनी छपाई मारती, हमने ऐसे बैठे हुए ऐसे फसाई गुटों में और यहाँ से ऊपर से हल्की घुमाई और वो कड़ा था होता है उसी तरह और ला के यहाँ टिक जाए, अगर तुम्हें दिख रहा है कि ढिल्ला आ रहा कड़ा झाड़ू भाग रही ऊपर नीचे जा रहा कड़ा, वो कड़ा नीचे नहीं आना चाहिए, अगर नीचे आएगा तो दिक्कत आएगी, ये तुम्हें काम में थोड़ा ये लिया इसे फसा दिया वो टैट हो जाएगा कड़ा में, ठीक है नहीं, क्योंकि ये पेवर झाड़ू ये होती है ना भारी पन आगे आ जाता है भैया उसका पीछे कम आता है भैया, तो जब ये टुकड़ा मिला देंगे जैसे अभी टुकड़ा मिला देंगे जब बट्टे नहीं है ना नहीं तुम्हारे हाथ में पता लग जाता थोड़ा, मुझे तो आइडिया है क्या अभी ले लिया उन्होंने टुकड़ा अभी झाड़ू मोटी आ गई होगी ना होगी, और तार देख लो तार कैसे मारना है, ये देख लो ये तार पहले सूरी में लेना है उंगली के नीचे, उसके बाद ये तार इसके ऊपर घुमाना है, घुमाते घुमाते इसे छोड़ रहे इसे पकड़ने की जरूरत नहीं फिर मैं इसे ऐसे खड़ा करना है ऐसे घुमा देना तार में, ये तार अंदर आ रहा ऐसे घूम देना है, ठीक है, और देखो इसकी मुँह पर इसकी मुँह में खड़ा मिलेगा आपको, लेकिन क्या है ना झाड़ू जस्ती है वो वाली जटिली है नहीं जटिली, क्योंकि इसके अंदर छोटा ज़्यादा आ जाएगा, क्योंकि जो पहले छोटा है इसके अंदर भी छोटा हो करोगे, और क्या है गाँव आज के टाइम में सियाना है, आपकी झाड़ू लेने जाते होंगे आपकी सियाने बात करते होंगे, क्योंकि पूरे दिन हम दुकान में बैठे हैं ना, हमारे पास गाँव आते हैं हमारी जो दुकान है ये भेट रोड पर पेट्रोल पंपा देखे ना पड़ने वाला आगे वाला यहाँ बसें खड़ी होती है, जहाँ बसें खड़ी होती हैं वाला रास्ता ज़्यादा पकड़ना है आपको, वाला रास्ता पकड़ोगे राइस मिल के नाम से बाजार मशहूर है आपका शंकर मंडी हुआ राइस मिल हुआ इस नाम से मशहूर है, इसके बीच में दुकान है हमारी राइस मिल पहले पड़ेगा शंकर मंडी वहाँ पड़ेगी जहाँ तक बहुत कम पड़ेगा, इससे अगर आप रोड पर से कम तोड़ने के चक्कर फिर आपके रोड पर तोड़ने के चक्कर होता है कम तो आपको 30 रुपये का पड़ता आ रहा है आपको यहाँ पे रोड पर मजदूरी मिलती है इसमें क्या है बड़ी है
तो मैगी भी लाती है, हम जो भी लाती है।